बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वाजिद अली फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एज़ यू नो, टाइटेनियम ग्रुप आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, ख्वाह वो रेजिडेंशियल्स हों या कमर्शियल्स हों। आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल्स एंड रजिस्ट्री प्लॉट्स। आज मैं आपको फाइल्स और रजिस्ट्री प्लॉट्स के हवाले से जो एक डिफरेंस है वो जो है वो अपडेट करूंगा। बेसिकली जो फाइल सिस्टम है वो बैरिया और डीएच की तरफ से जो है वो मार्केटिंग में लॉन्च किया गया था। जैसे ये बैरिया और डीएच मार्केटिंग में इन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है शुरू की थी, तो इन्होंने जो ये सिस्टम है या ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको अडॉप्ट किया था। आप कह लें कि इन्होंने शुरू शुरू में जो है फाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें जो है वो लो बजट या हाई बजट इन्वेस्टर्स दोनों को जो है वो बेनिफिट हुआ। वो बेनिफिट इस सेंस में हो कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना था या जो लोग घर बनाना चाह रहे थे। तो अब 2021 में चूंकि बहुत सारी लोगों को जो है वो इसमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, 2021 में ट्रेंड कुछ इस तरह से हो चुका है कि लोग जो है वो फाइल सिस्टम के ऊपर उनका एक तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है या जो है वो इस पर जो है वो एक ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। उसकी जो बेसिक रीज़न ये है कि कुछ बहुत सारी जो है वो प्राइवेट कंपनीज ने और बहुत सारे प्राइवेट लैंड होल्डर्स ने जो है वो लोगों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करवाई या लोगों ने यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी की, और बाद में जो है वो कंपनीज और जो लैंड होल्डर्स थे वो सक्सेसफुली अपनी जो चीज़ें थी उनको जो है वो डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो है वो लोगों का एक जो ट्रस्ट था या जो लोगों का एक इतबार होता है कि वो किसी सोसाइटी में या किसी प्राइवेट कंपनी में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, तो इस तरह से जो है वो उनका एक ट्रस्ट जो है वो टूटा। यह आप कहने के लेक ऑफ ट्रस्ट की वजह से जो है वो अब 2021 में लोग इस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते या ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। तो उनको जो है वो जिन्होंने एक जो इनको सक्सेसफुली डिलीवर नहीं किया था या जिन लोगों ने लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो मिसयूज़ की, तो उनको जो है वो बाद में एक नैब की जो केसेस हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप फाइल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है एक्सप्लेन करता चलूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या जिस तरह डीएचए या बैरिए हैं, जैसे इन्होंने लैंड बाइंग की होती है या जो इनके जो ओनर होते हैं उन्होंने लैंड अपनी जो है वो परचेज़ की होती है, तो उनको जो है वो दो चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ रहा होता है। एक तो जो उसकी डेवलपमेंट है उसका, और जो दूसरा जो है वो मेजर एक जो चीज़ है एनओसीज जो है वो अप्रूव नहीं होते। जैसे कि आरडीए या एलडीए या टीएमए से इन्होंने अपने जो एनओसीज हैं वो अप्रूव करवाने होते हैं, तो इसलिए इन्होंने जो फाइल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिट होता है या उन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होती है जो जिनका बजट लो होता है या जो लोग जो है वो मिनिमम बजट रखते हैं या जो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। एक तो बेनिफिट उनको ये होता है कि जिस तरह जो टैक्सेस है, मतलब टैक्सेस के हवाले से आप कह लें कि सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, टीएमए ड्यूटी है या स्टैम्प ड्यूटी टैक्स है, इनसे सेफ रखने के लिए बायर को भी जो है वो इसका जो है वो बेनिफिट मिल रहा होता है, और साथ साथ जो सेलर होता है या जिससे आप कह लें कि जो लैंड होल्डर होता है उसे भी जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे जो है एक विन टू विन सिचुएशन चल रही होती है, इन्वेस्टर और बायर दोनों को जो है वो एक सेम बेनिफिट जो है वो मिल रही होती है, जिसमें जो आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट टैक्सेस के अलावा जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ या लैंड होल्डर्स की तरफ से बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीट हो चुकी होती है उस सिचुएशन में। अब यहाँ पे जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 100% मेच्योर सोसाइटीज़ जिस तरह इस्लामाबाद में पार्क सिटी है, लाहौर में जो है वो पार्क सिटी है, और लाहौर में जो बेसिक सोसाइटीज़ चल रही हैं आपकी अलकबीर टाउन है, अलकबीर टाउन के फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री जो है, इस तरह से जो है वो अल नूर ऑर्चर्ड है, अल नूर ऑर्चर्ड की जो एक आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट कराई है। तो ये जो बेसिकली वो सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, और अब जो है ये 100% मेच्योर हो चुकी होती है। अब यहाँ पे होता ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ओनर अपने बिहाफ पे आपको फाइल दे रहा होता है, और बाद में जैसे सोसाइटी जो है डेवलप हो चुकी होती है, एक डेवलपमेंट स्टेटस के ऊपर जो है पहुँच चुकी होती है, तो बाद में जो है वो वही फाइल्स को ये रजिस्ट्री में कन्वर्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको जो है वो बताता चलूँ कि जो जिन सोसाइटीज़ के एनओसीज अप्रूव नहीं होते या जिन जो सोसाइटीज़ अपनी एनओसीज जो है वो अप्रूव नहीं करवा सकती, तो ये बेसिकली एक अलग एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं जो है डिटेल वो आपको बाद में जो है वो बताऊंगा। वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज़ और जो है वो बताता चलूँ कि हमारे पास एक बकायदा जो है वेरिफिकेशन सिस्टम होता है, जिससे जो है वो हम चेक करके इन्वेस्टर्स या बायर जिन्होंने अपना घर बनाना होता है या जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, हम उनको जो है एक प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं कि आप किन किन सोसाइटीज़ के एनओसीज जो है वो अंडर प्रोसेस है
या किन किन सोसाइटीज़ के जो NOCs हैं वो अप्रूव हो चुके होते हैं। तो हम बेसिकली वो सोसाइटीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स या बायर्स को जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। फर्दर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे पाकिस्तान में किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ या किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स सेम नंबर मेरा ईमो और व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।